नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। धनतेरस को लेकर भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार, लोगों ने की जमकर खरीदारी। जाली नोट सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का 3 सदस्य चढ़ा पुलिस के हत्थे, 90,000 का नकली नोट बरामद। शांति समिति के सदस्यों के साथ सिटी एसपी ने की बैठक, प्रतिमा विसर्जन को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। आनंदराम ढंढनिया स्कूल में स्वरांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता में बच्चों ने बिखेरी सतरंगी छटा। और पटना के गांधी मैदान में 7 नवंबर को होगी भूमिहार ब्राह्मण एकता महारैली, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से शुरू हो गई है। धनतेरस को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई। वहीं दिन भर हो रही बूंदाबूंदी के बावजूद भी खरीदारों का उत्साह चरम पर था। शुक्रवार को धनतेरस के अवसर पर भागलपुर में करोड़ों का कारोबार हुआ। सराफा बाजार, ज्वेलरी शॉप, चार पहिया एवं दो पहिया शोरूम में लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसके अलावा बर्तन दुकान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एलईडी, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। धनतेरस को लेकर भागलपुर के कई मॉल और शोरूम में ग्राहकों को आकर्षक उपहार भी दिए गए। वहीं भागलपुर डीआईजी ऑफिस के समीप विनीत हीरो में धनतेरस के मौके पर दोपहिया वाहन खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी रही। शोरूम के प्रोपराइटर पुष्पम झा ने बताया कि सभी ग्राहकों के लिए इस दीपावली पर हीरो कंपनी की ओर से कई प्रकार का ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही सभी बाइक और स्कूटी की खरीदारी पर उनकी ओर से शगुन के तौर पर ग्राहकों को चांदी का सिक्का दिया जा रहा है। वहीं प्रबंधक विमलेश कुमार पाठक ने कहा कि प्रीमियम बाइक पर 5,000 और 100 सीसी की बाइक पर 1,500 रुपए की छूट दी जा रही है। विनीत इंटरप्राइजेस में सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट भी दिया जा रहा है। साथ ही सरल तरीके से 1 घंटे के भीतर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वहीं धनतेरस को लेकर प्रोपराइटर पुष्पम झा ने कहा कि बारिश के कारण पिछले साल की तुलना में इस बार बाजार पर थोड़ा असर पड़ा है। मौके पर प्रियनंदन, राजेश कुमार, पंकज, तस्लीम, उमेश, आलम, सबनम, बबली समेत दर्जनों ग्राहक मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्राहकों को और भागलपुर वासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत शुभकामना देती हूँ। हमारी तरफ से ग्राहकों के लिए जो बहुत सारे ऑफर तो हीरो की तरफ से आए हैं, जिसमें हमारा भी है उसमें सहभागिता, लेकिन साथ साथ मैंने चांदी का सिक्का फ्री शगुन के तौर पर सभी ग्राहकों को दे रही हूँ और आगे भी दूंगी अभी 31 अक्टूबर तक। अभी तक तो सुबह से बारिश की वजह से जो बुकिंग हुई है वो भी कस्टमर नहीं आ पाए हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी, लेकिन शाम तक हम लोगों को उम्मीद है कि रात तक सभी जो भी बुकिंग है सारी क्लियर हो जाएगी। भागलपुर में जाली नोट सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य को पुलिस ने जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस ने 90,000 के जाली नोट बरामद किया है। एसएसपी आशीष भारती ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि बंगाल से जाली नोट लाकर सबौर में खपाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने नकली नोट के एजेंट मालदा के फरक्का निवासी मोहम्मद नीलू को 90,000 रुपए के जाली नोट के साथ दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस ने नोट की डिलीवरी लेने वाले बाबूपुर सवार निवासी रामदेव मंडल और कपिलदेव मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि नौगछिया एसपी ने 2,00,000 जाली नोट के साथ पश्चिम बंगाल के 3 धंधेबाज को गिरफ्तार किया था। जाली नोटों का एक गिरोह जो कार्य कर रहा है, अंतर राज्य गिरोह है, और वो जाली नोट बंगाल के मालदा से लेकर के आता है और बिहार के कई जिलों में उसका सप्लाई करता है। यह जानकारी मिली कि एक जो पैसे को जाली नोट को लेकर के आ रहा है वो सबौर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों को वो सप्लाई करने वाला है। इस सूचना पर SHO सबौर और ये अन्य जो पुलिस टीम के जो सदस्य हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल थाने के SHO और जो PSI पुर्नेंदु कुमार और टेक्निकल टीम के सदस्य और अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी, सिटी SP और DSP लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में उनकी टीम का गठन किया गया। उनके द्वारा वहां पे निगरानी लगाया गया और इस पे जो पैसे
लेकर के आया था और जिसको पैसे डिलीवरी देने वाला था। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो पैसे लेकर के आया था उसका नाम मोहम्मद नीलू है और ये थाना फरक्का जिला मालदा का रहने वाला है और ये करीब 90,000 रुपया, 2,000 रुपये के 45 नोट उसके पास से बरामद हुआ है। और यह जो जिन दो लोगों को देने वाला था, राजदेव कुमार मंडल और कपिल देव मंडल, जो दोनों बाबूपुर के रहने वाले हैं जो कि सबौर थाना का है, इसमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इसका जो मुख्य कार्य है मालदा में ही इस तरीके का कार्य किया जाता है, जो जाली नोट बनाया जाता है और उसको सप्लाई करने के लिए रेल मार्ग या फिर सड़क मार्ग से वो लोग अन्य जिला में आते हैं। अभी जो अनुसंधान है इसमें अभी जानकारी मिली कि नवगछिया में भी इसी तरीके से सप्लाई करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। तो यह विशेष अभियान हम लोग के द्वारा चलाया जाएगा और जो मालदा हमारी टीम जा करके वहाँ पर रेड करेगी और इसको पूरी तरीके से। काली पूजा को लेकर शुक्रवार को इसाक्षक थाना में शांति समिति और पूजा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सिटी SP सुशांत कुमार सरोज ने की। बैठक के दौरान श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों को पिछले साल की समस्या से अवगत कराया और इस बार विशेष व्यवस्था किए जाने की बात कही। मौके पर इसाक्षक थाना अध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु ने मेरपतियों की समस्या सुनते हुए जल्द ही लाइसेंस निर्गत करने का आश्वासन दिया। वहीं काली महारानी महासमिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने पुलिस प्रशासन की ओर से मिल रहे सहयोग की जमकर प्रशंसा की, जबकि महासमिति के महामंत्री चिरंजीवी कुमार धूरी ने नगर निगम की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की। बैठक में सिटी SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रतिमा विसर्जन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया और सौसमय प्रतिमा विसर्जित कराने का निर्देश संबंधित थाना अध्यक्ष को दिया। समिति के सदस्यों ने कहा कि काली प्रतिमा के आगे पीछे होने पर युवाओं को संयम रखना चाहिए, क्योंकि सभी प्रतिमा हमारी माँ के समान है। वहीं बैठक में जानकारी दी गई कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शांति समिति की बैठक में तिलका मांझी थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने पूजा समिति के सदस्यों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमा विसर्जन करने की अपील की। बैठक में सत्यनारायण प्रसाद, वार्ड पार्षद कल्पना देवी, विश्वेश आर्या, अभिजीत, सचिता यादव समेत कई मेयरपति, शांति समिति और पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए। आपस में बैठक किए, काली पूजा विगत वर्ष बेहतर हम लोग कैसे करें और ये संभव तभी हो पाता है जब मेयर पतियों का केंद्रीय समिति का या जनप्रतिनिधि है या पीस कमेटी है सबों का सहयोग प्राप्त होता है। यह मीटिंग हमने केवल सबों का सहयोग लेने के लिए बुलाया था और सभी पक्ष से हमें आश्वासन मिला है कि कहीं से कोई परेशानी ना होगी। जो भी NGT का निर्देश दिया गया है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। क्षेत्र के सभी स्थानीय पदाधिकारी और मेयरपति इसाक्षक थाना में आए थे और CT SP साहब की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। यहाँ पर इसाक्षक के थाना अध्यक्ष तथा तिलका मांझी थाना अध्यक्ष भी उपस्थित थे और हमारे सभी मेयरपतियों ने अपनी जो भी समस्या यहाँ पर रखी, CT SP साहब ने उनको आश्वस्त कराया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आप शांति और सौहार्द का परिचय दें, समय से मूर्ति निकालें, विसर्जन मार्ग से आप चलें और विसर्जन घाट, काली विसर्जन घाट में एक बड़ा तालाब खनवाया गया है, वहाँ गंगा का जल उसमें रहेगा, हम मूर्ति का विसर्जन उसी में करें। हम लोग पूरे समिति चारों तरफ घूम के देख रहे हैं जहाँ जहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की ओर से, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। मेन जो अभी बातें घाट पर की आई है जहाँ पोखर खोदाने का, हम लोग रात में गए थे, तीनों जगह को देखे हैं और उससे अभी संतुष्ट महासमिति नहीं है वो खुदाई से, उसमें और भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। हम लोग मिल के बात करेंगे, बोले भी हैं, नगर निगम से कल बात भी किए हैं और भी जो चीज़ की कमी हमको महसूस हुआ उसकी जानकारी दिए हैं और आग्रह किए हैं कि समय से पहले मेरा ये व्यवस्था हो जाए जिसमें किसी भी श्रद्धालु को या किसी के आस्था पे नहीं ठेस पहुँचे। और सब लोगों ने महासमिति को कहा कि जब आप लोग इसको देख लेंगे
तो कहीं से भी हम लोग इस बात को उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेंगे, और हमें विश्वास है कि उनको अगर व्यवस्था देंगे, सुविधा देंगे, तो वो जो बातें हैं, जो कानून है, उसको पालन जरूर किया जाएगा। भागलपुर के आनंदराम ढंढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में शुक्रवार को संकुल स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायन, वादन, नृत्य एवं लघु एकांकिक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में बाल कलाकारों के कला संगम में बच्चों ने सतरंगी छटा बिखेर दी। इस दौरान एकल गायन, समूह गायन, कथक नृत्य, समूह नृत्य एवं वाद्य यंत्र प्रतियोगिता में आनंद राम विद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं कथक नृत्य में विदिशा को प्रथम स्थान मिला, जबकि समूह नृत्य में सेजल, अंकिता एवं गौरी ने शानदार प्रस्तुति दी। सभी विजेता प्रतिभागी विभाग स्तर पर होने वाले स्वरागनी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा, उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, अशोक कुमार, ममता झा, पंकज उपाध्याय सहित विद्यालय के शिक्षक मौजूद थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाएं, फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपये प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070907567635423153154620102297 बलुआ टोला, करेला, नाथनगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना के गांधी मैदान में 7 नवंबर को होने वाले भूमिहार ब्राह्मण एकता महारैली को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा कि सवर्णों के हित में 5 सूत्री मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार, झारखंड और दिल्ली से 5,00,000 की संख्या में लोग शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच रैली में अपनी ताकत दिखाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष रितेश रमन सहित संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दीपावली, चित्रगुप्त पूजा और लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर शुक्रवार को SM कॉलेज में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज में छुट्टी के अंतिम दिन प्राचार्या प्रोफेसर अर्चना ठाकुर के नेतृत्व में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने दीपोत्सव को लेकर खुशियां बांटी, साथ ही एक दूसरे को त्यौहार की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शिक्षिकाओं ने म्यूजिकल चेयर, अंतराक्षरी सहित कई खेलों का आयोजन किया। वहीं कॉलेज में पदभार ग्रहण करने वाली नई शिक्षिकाओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर काफी संख्या में कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। महाविद्यालय है, इसमें हर पर्व के का आयोजन किया जाता है। होली हो या दशहरा हो या सरस्वती पूजा हो, ये दीपावली का आयोजन, दीपावली की पूर्व संध्या पर, पूर्व संध्या को नहीं चाहिए तो ये परसों है, यहाँ तो मेरा प्रतिबल है। हमारे यहाँ हमारे महाविद्यालय की सारे शिक्षक शिक्षाओं को अच्छा हो, हमारी अच्छा हो, ये क्यों नहीं आज समापन हुई है और परसों हमारे यहाँ दीपावली हुई है। ये दिवाली के संध्या के प्रोग्राम रखा गया था और हम सभी ऐसे कॉलेज परिवार एक साथ दिवाली से निकले। विश्व पोलियो दिवस को लेकर रोटरी विक्रमशिला पिंक एवं पिंक क्लब द्वारा मदन लाल कन्या मध्य विद्यालय से पोलियो जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी प्रवीण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल स्कूली बच्चों ने आम लोगों को पोलियो के प्रति जागरूक किया, जिसके बाद रैली विद्यालय पहुंचकर समाप्त हो गई। प्रवीण सिंह ने कहा कि पोलियो उन्मूलन के लिए रोटरी क्लब पूरे विश्व में मुहिम चला रही है। चंदना चौधरी ने कहा कि पोलियो से बचने का एकमात्र उपाय पोलियो ड्रॉप है, इसलिए जागरूक होकर 5 वर्ष से नीचे
के बच्चों को खुराक पिलाना आवश्यक है। इस अवसर पर अर्पणा कुमारी, किरण गोस्वामी, गायत्री सिंह, मृदुला घोष, अनीता अनवर सहित क्लब के सदस्य मौजूद थे। बांका में लगातार हो रही बारिश के कारण धनतेरस की खरीदारी को लेकर बाजारों में लोगों की भीड़ कम देखी गई। बारिश के कारण लोग घरों में ही दुबके रहे। वहीं शाम के वक्त बाजारों में थोड़ी रौनक देखी गई और जरूरत के हिसाब से लोगों ने बर्तन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और आभूषण की खरीदारी की। हालांकि बारिश ने त्यौहार का उत्साह थोड़ा फीका कर दिया। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक चारी में आवासीय जमीन 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। धनतेरस को लेकर भागलपुर का बाजार हुआ गुलजार, लोगों ने की जमकर खरीदारी। जाली नोट सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का 3 सदस्य चढ़ा पुलिस के हत्थे, 90,000 का नकली नोट बरामद। शांति समिति के सदस्यों के साथ सिटी एसपी ने की बैठक, प्रतिमा विसर्जन को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। आनंदराम ढंढनिया स्कूल में स्वरांजलि कार्यक्रम का हुआ आयोजन, प्रतियोगिता में बच्चों ने बिखेरी सतरंगी छटा। और पटना के गांधी मैदान में 7 नवंबर को होगी भूमिहार ब्राह्मण एकता महारैली, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।